भाई कितना सुंदर है ना ये। यार बहुत सारे एडवेंचर है भाई। क्या सही है भैया, ऑफ रोडिंग के मजे तो कुछ होने चाहिए ना, ऑल व्हील ड्राइव लिया तो। यस नाइस नाइस एंड स्लो, चलते चलिए चलते चलिए, पत्थर है पत्थर लेफ्ट। क्या अभी खरदुंगा से निकल चुके हैं आगे के लिए। गर्मी लग रही है। हाँ गाड़ियों तो बहुत गर्मी लग रही है, बाहर तो 2 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, अच्छा खासा ठंडा है बाहर। तो स्नो के साथ खेल के आ रहे हैं। हाँ हम सबसे ऊपर थे, कोई नहीं था वहाँ पे, कुत्तों के नाम कुत्ते नहीं थे भाई, भालू थे वो। बहुत लंबी लाइन लगी है, ट्रक आए जा रहे हैं बहुत सारे। जब तक ये ट्रक नहीं निकलेंगे ना आर्मी वाले, जब तक हम हमारी लाइन नहीं चलेगी। सही है, पहले ये निकल जाएंगे। ये क्या गन्ने लेके जा रहा है, ये क्या है? बांस। बांस, अच्छा मैं कहूँ इतने ऊपर गन्ने का जूस मिलता है क्या? इसमें हमारे बहुत सारे फौजी भाई मुजफ्फरनगर और मेरठ साइड से हैं। अभी जो है मिले उन्होंने कहा की गाड़ी यूपी की, मैंने कहा जी यूपी 15 मेरठ। देखिए सही है, मैं भी मुजफ्फरनगर से हूँ, कोई कहीं से है, मतलब ये उसी साइड की है पूरी बटालियन जो है ना। खरदुंगला की बात तो ये लगभग ये वैसे ही रोड है, कच्चा सही, मतलब कच्चा भी नहीं कह सकते, गड्ढे हैं इसमें। हाँ वो तो हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली कंफर्टेबल है, मस्त निकलती हुई जा रही है, हम तो कोई दिक्कत नहीं हुई। पर अगर कोई ऐसी जैसे गाड़ी होगी जैसे थार होती तो पूरी हिलती हुई जाती, पर थार में एक अलग मजा आता है, उसका अलग मजा है। यहाँ पर बिल्कुल भी ठंडी लग रही, एक तो हवा नहीं है और धूप अच्छी आ रही है, तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं यहाँ पर। बाय 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 बाय। ये अभी गिरी है, एकदम साफ एकदम फ्रेश। यूट्यूब पकड़ लो, पकड़ो ठंडा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। क्या बर्फ निकली है जूतों से? नहीं यहाँ तक बर्फ में था, यहाँ तक जॉकी तक थे। भाभी के स्कूल वाले जूते, गाइस चेक इट आउट। वे सॉक्स दूसरे पहन लूंगे, गीले हो गए, निकाल दे सॉक्स। मुझे यहाँ भी पर गुस्सा दी इस आदमी ने, कूल सेंस एक्ट के बारे में यहाँ आया, उसे बदला ले रहा कोई इस किसी जन्म का मेरे से। देख यार मुझे फंसा लिया, मुझसे शादी कर ली, बदला नहीं लूंगा मैं। भैया आपने शादी क्यों करी? I don't want peace, I want problems. Nice ice cream. फ्लेवर अच्छा नहीं है, वनीला लेके आओ। चॉकलेट है, चॉकलेट। आप क्या कर रही हो आंटी? है बर्फ खा रही है। मस्त लग रही है। क्या सब परिवार है, बर्फ खाता है ये। तो इस ऑल्टीट्यूड पे भाई बनाना बहुत बड़ी बात है भाई, और जात्रे जो लोग है ना सब उधर के हैं, एमपी के और क्या कहते हैं उस साइड के लोग हैं, बिहार एमपी। हाँ नीचे जमी पड़ी है पूरी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डीवी। मेरा 21 जुलाई में आता भाई, अभी बहुत टाइम। किस मनाली में? जुलाई में। किस मनाली में डेट है? ये बढ़िया है केक सा, सुंदर है। ये बर्थडे पे इतना छोटा केक लिया करो, सबसे बढ़िया। हाँ गाड़ी भाई साहब इतनी कंफर्टेबल है, नहीं तो ऐसे बस्ती हो जाते इसमें खड़े 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 खड़े। तो अभी हम आ चुके हैं खारदुंग, ये पूरा काफी बड़ा है ये एरिया जो है इसमें, और उधर साइड में देखा जाए तो उधर इसके आसपास के छोटे छोटे गांव भी हैं इसके आसपास, और यहाँ गेस्ट हाउस। बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे मतलब खेत वेत भी बहुत सारे हैं इनके पास, यहाँ पे देखा इसी के नाम पे उसका नाम पड़ा
नहीं इसके नाम पे उसका नाम पड़ा होगा क्योंकि ये खारदुंग है और वो है खारदुंग ला, ला मतलब के पास। तो यहाँ बढ़िया लग रही है, ये एप्पल तो नहीं लग रहे मुझे कहीं से भी। रंग बिरंगे पहाड़े हैं, बहुत सारे कलर हैं पहाड़ों के अंदर। देखो सामने क्या व्यू है भाई, ओ भाई ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है ना, बहुत सही भाई। कितना सुंदर है ना ये, मतलब पूरा प्लेन एरिया कोई भी नहीं, और देखो रोड कैसे जा रही है ऐसे बिल्कुल वहाँ से, बहुत ही सुंदर एरिया भाई। अलग टाइप के पहाड़ हैं, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी ग्रीनरी या कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे रेत से हैं पर इतना खुला एरिया ना बहुत ही कम देखने को मिलता है पहाड़ों में, बहुत सही लग रहा है। देखना हमारी गाड़ी कितनी छोटी सी लग रही है इतने पूरे एरिया में, छोटी सी है बिल्कुल। Cancer called me today. So gonna take your loved ones away. It's been 100,000 minutes past the hour. The fuse refused to stop this burnout. Hey, tango de la muerte. So, अभी हमने बहुत ही रिस्क की एक ड्रोन शॉट लिए, हमारी एक्चुअली क्या बैटरी चार्ज नहीं है ड्रोन की, और जो जिस जो चार्जर का एडाप्टर है ना वो हम भूल गए, तो इसमें थी सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा 30% बैटरी भाई, हमने पता नहीं कहाँ से उड़ा के लाए, लास्ट में सिर्फ 7% बैटरी थी। मुझे कहता अब मैं लैंड हो रहा हूँ तो वैसे मुझे जहन दो है ना भाई, अपने आप लैंड होता रहा फिर। मैंने कहा भाई चलो उतार लो बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा आज तो खाई में जाता है, चलो अभी चलते हैं। तो भाई अभी हमको वहाँ जाना है और ऐसे रास्ता घूम के आ रहा है और एक बीच में से कच्चा रास्ता जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं इसमें से लेके चलते हैं, थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा है शैम्पू जी। बिल्कुल अरे नहीं थोड़ा सा ट्राई तो कर रहे हैं ऑल व्हील ड्राइव को, वैसे जरूरत तो नहीं ऑल व्हील ड्राइव की, इसमें बड़े आराम से चलना है भैया। रास्ता जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम आएंगे यहाँ से यहाँ तक, आ जाओ काट दो, बहुत ही खतरनाक सीन हो सकता है। यस नाइस नाइस एंड स्लो, यस इट्स गोइंग गुड। चलते चलिए, पत्थर लेफ्ट में रखना, लेफ्ट में, बढ़िया चलने दो, सीधा कुछ नहीं है, चलो बाबा। भैया ऑफ रोडिंग के मजे तो कुछ होने चाहिए ना ऑल व्हील ड्राइव लिया तो, जो हमें क्योंकि हमने क्या लिया भैया, ऑल व्हील ड्राइव ली और हमने थार लिया, थार लिया मेन बात है, थार लिया। हम कहीं वहाँ नीचे जाएंगे घूम घूम के, सामने से रोड दिख रहा होगा तुम्हें, देखो वहाँ से मस्त रोड है भाई, मस्त जगह एकदम।
से एक रास्ता जा रहा है सामने इधर पेंगोंग है। अच्छा हम पेंगोंग के लिए जाएंगे ना, यहाँ से जाएंगे पेंगोंग वाले। सही है सही है। 130 से पेंगोंग यहाँ से और लेक 180। हाँ भाई अभी यहाँ पे नुब्रा वैली के सामने यहाँ राफ्टिंग भी होती है, लेकिन विधा पीछे राफ्टिंग वगैरह करते हैं सब लोग। हाँ चलो अभी कुछ चाय वाय पी लेते हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं ना। कुछ कर रही हो बता ना जरा मेरे लिए क्या मंगाया तुमने खाने को, पी के पता चलेगा कैसी है। इस लड़के को वाईफाई मिल जाता ना ये तो ये बस ये रील देखना शुरू कर देता है। अरे टिकटॉकर लाओ भाई, ये भी अच्छी लग रही है दाल, जल्दी जल्दी कर दो भूख लग रही है बहुत तेज। तो भाई अभी खाना खजाना हो गया है और अभी यहाँ से हमारी जो डेस्टिनेशन है वो लगभग 30 किलोमीटर है। सो हमें लगभग 1.5 घंटे के करीब लगेगा यहाँ से, बाकी रोड तो सही है। अब तो हम आई थिंक वैली में ही चलेंगे नीचे नीचे। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, खाना मस्त था ना? आलू गोभी भाई खाना बहुत सही था, 600 रुपये में हमने भर पेट खाना खाया। मैं तो खुद आगे कॉफी जो भी था 700 रुपये में, चाय कॉफी वॉफी भाई, और खाना टेस्टी था। हाँ ये बहुत अच्छी बात थी। चलो अभी चलते भाई। नदी का पानी एकदम ब्लू है, एकदम ब्लू। पीछे लोग नहा भी रहे थे, मतलब नहा के बैठे हुए थे उसके किनारे। हाँ ठंड बहुत है ना, इतनी ठंड भी नहीं है, 18 डिग्री टेम्परेचर है बस। तो पत्थर गिर रहे हैं, अच्छे कुछ बना रहे हैं तो सही है भाई, एकदम बहुत ही सही एरिया है। तो चले भाई चले चले, मजा आया। एटीवी चलाने का मजा चाहिए किसी को? आंटी बताओ। चलो यहाँ बहुत सारे एडवेंचर है भाई, पीछे वहाँ पे वो हाँ पीछे यहाँ पे वो थे, वो क्या करते हैं तीर कमान, क्या बोलते हैं, आर्चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्चीज ऐसे कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूल गया, कुछ और बोलते हैं। हाँ वो हो रहा था, और जहाँ पे देखो एटीवी चलाने को मिल रही है, और यहाँ क्या है, ये क्या, ये शायद वो है गो कार्टिंग। हाँ गो कार्टिंग चल रही है भाई साहब, ये भी यहाँ के करेंगे क्या? ये तो हम अपने ये तो अपने दिल्ली में ही कर लेंगे हम। पर यार यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही है, स्टार्ट हुआ अभी, तो अभी आने वाले टाइम में बहुत सही हो जाएगा एरिया। भाई ये देखना व्यू क्या सही है, गाड़ी भी खड़ी है चारों तरफ यहाँ पे ऐसे खुला ही खुला बिल्कुल, साथ में बिल्कुल ये साइड में रेगिस्तान सा रेत ही रहता है पूरे में, ये देखो पत्थर पड़े बीच बीच में, और यहाँ एटीवी वगैरह चला सकते हैं इधर, मैंने बताया था ना। और भी कुछ चीज़ें बन रही है यहाँ पे आने है ना, बहुत ही खतरनाक जगह भाई। आने वाले टाइम में ना यहाँ पे ये सोच लो एडवेंचर का, ये सोच लो एडवेंचर का हब बन जाएगा ये पूरा। चुम्बेश्वरी फोटो भाई देखना सामने, इंस्टाग्राम में ट्वीट कर दिया तूने, वाह भाई वाह।